मेरा नाम नेहा है, मैं अंदाज दिल्ली में पिछले 6 महीने से एज अ ट्रेनी काम कर रही हूँ और अभी मैं सोल पैंट्री में एज अ शेफ की ट्रेनिंग ले रही हूँ। मेरा नाम चंद्रकांता है, मैं हायट अंदाज में 5 महीने से वर्किंग हूँ एज अ ट्रेनी। मैं F&B सर्विस में हूँ, इस टाइम पे मैं अनामाया में वर्किंग हूँ। मेरा नाम इशिका है, मैं पिछले 1 साल से हायत अंदाज में काम कर रही हूँ। 12th के बाद कोई एक NGO के बारे में पता लगा, युवा परिवर्तन अकेडमी। वहाँ पर बेसिकली जो होटल में होता है उसके बारे में पढ़ाते हैं। फिर हमारा एग्ज़ाम हुआ, वो क्लियर होने के बाद अंदाज दिल्ली में आई। यहाँ पे फर्स्ट डिपार्टमेंट मुझे कॉमेसरी मिला था, जहाँ पर मैंने कटिंग्स के बारे में सीखा, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि कैसी कटिंग होती है, कौन सी होती है, किस तरह की होती है, वो मुझे यहाँ आके सीखने को मिला। 12th पास करने के बाद मैं कोई एम नहीं था, तो मेरी फ्रेंड डॉन बॉस्को लेके गई, ये एक संस्था है। तो यहाँ पे मतलब कि अलग अलग कोर्स होते हैं, मैंने होटल मैनेजमेंट करी यहाँ से, अंदाज में मैं सिलेक्ट हुई। मेरा फर्स्ट टाइम था यहाँ पे, तो गुलशन सर ने बोला था आपको पता है कि कैपेचिनो क्या होती है, मैंने बोला हाँ, तो फिर क्या क्या होती है, मैंने कॉफ़ी होती है, क्या कॉफ़ी होती है, मैंने बोला कॉफ़ी में भी डिफरेंट होती है क्या, कह रहा हाँ। उसके बाद से मैंने ध्यान दिया, तो मैंने यहाँ पे फूड के बारे में सीखा, बेवरेज के बारे में सीखा। ये यूनिफॉर्म पहनने के बाद एकदम प्राउड सा फील होता है, हम लोग को ऐसा लगता है अंदर से कि हाँ, हमारे अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। ब्लू जीन्स, वाइट शर्ट, अंदाज का टैग। ट्रेनिंग के बाद जब मेरे को फर्स्ट टाइम मिला था, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी थी, मम्मी को दिखाया, मम्मा देखो मुझे ये मिला। अब मेरा हायत आने के बाद मेरा एक एम बन गया, हाँ मैं मतलब कि मैं इन रूम डाइनिंग में एज अ TL बनना चाहती हूँ। फिर जितने भी सीनियर्स हैं सारे बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। पंकज सीनियर ने मुझे इवेंट में कैसे मीटिंग्स हैंडल करते हैं, कैसे गेस्ट हैंडल करने हैं, कैसे पूछना है, उन्हें चीज़ें सिखाते हैं। 5 महीनों में मैं इतना सीख चुकी हूँ कि गेस्ट कोई सा भी खड़ा कर दो, मुझे बात करने में डर नहीं लगता। बहुत कुछ बनाना सीख रही, जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्लैट ब्रेड, जो कि मुझे पहले नहीं आता था, तो मैंने यहाँ पर आके सीखा। जब मेरा शेड्यूल होता था, मैं अपने टाइम से आधा घंटा पहले आती थी, क्योंकि यहाँ के मेरे को फैमिली जैसा फील होता है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। पहले लगता नहीं था मैं इतना हार्ड वर्क कर पाऊँगी। अंदाज ज्वाइन करने के बाद मुझे ऐसा फील होता है कि मैं अपना कोई सा भी सपना पूरा कर सकती हूँ। अगर मेरी लाइफ में हायट नहीं होता तो इस टाइम पर शायद मेरी लाइफ में कुछ स्ट्रगल चल रहा होता। मैं जो पहले 1 साल पहले थी और अब मैं बहुत डिफरेंट है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बाद कॉन्फिडेंस आया है मुझे यहाँ पर। आगे जाके मैं एज ए एग्जीक्यूटिव शेफ बनना चाहती हूँ, मेरे खुद का रेस्टोरेंट हो। हाँ, मैं अंदाज को मतलब कि थैंक यू करना चाहती हूँ, अंदाज दिल्ली को। यहाँ पे आने के बाद मुझे एक एम मिला कि हाँ, ये मैं अचीव कर सकती हूँ। थैंक यू हायत।